हम जब सिस्टम लेने जाते हैं ना तो हम लोग ध्यान देते हैं i5 के ऊपर, i3 के ऊपर, ओके i7 के ऊपर। आपको i7 सस्ते में मिल रहा है, चलो यार यही ले लेते हैं। बट ये चीज आपको जो है वो अवॉइड करना है, डू नॉट बाय ए फैंसी लुकिंग स्लिम और सेक्सी लैपटॉप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलीव फॉर यू द सिंपल वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप के बारे में, स्पेशली फॉर एडिटिंग यूट्यूब वीडियो और कॉन्टेंट क्रिएशन। आप एक न्यू कॉन्टेंट क्रिएटर हो या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो एंड आपको चाहिए एक लैपटॉप वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है और आपको जाना है कि ये किसी काम का है या नहीं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है या फिर किस लेवल की वीडियो एडिटिंग जो है वो आप करना चाहते हैं। बिकॉज हर सॉफ्टवेयर का या हर लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होता है। आपने सॉफ्टवेयर अगर ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग को दो लेवल में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहला है बेसिक और मिड लेवल वीडियो एडिटिंग। इसमें जो है वो नॉर्मली आता है फिल्मोरा, साइबरलिंक, मोवावी वगैरह। 80% कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो मोर देन एनफ है। दूसरा हमारा लेवल है एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग। इसमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची रिजॉल्व। ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये बहुत ही एडवांस होते हैं और इसके लिए बहुत हाई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चाहिए। तो चलिए इस चीज को डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस लेवल और किस सॉफ्टवेयर कैटेगरी के लिए क्या लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए या फिर सिंपल क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक और मिड लेवल वीडियो एडिटिंग, फिल्मोरा, मोवावी, साइबरलिंक, ये सभी बेसिक और मिड लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं और ये नॉर्मली किसी भी सिस्टम में जो है वो चल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि 10 साल 15 साल पुराना सिस्टम हो, नॉर्मली 2-4 साल 5 साल पुराने सॉफ्टवेयर में भी जो है वो चल जाते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं सिस्टम में जो है वो चल जाते हैं। और इसके लिए जो मेरी मिनिमम रिकमेंडेशन है, सबसे पहले आपका जो बजट है वो 30,000 से 50,000 जो है वो होनी चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है प्रोसेसर और CPU। आप कम से कम i3 और i5 लें, आप AMD Ryzen में भी सिमिलर Ryzen 3 और 5 जो है वो ले सकते हैं। मैं पर्सनली जो है वो Intel रिकमेंड करता हूँ, पर्सनली प्रेफर करता हूँ। डुअल कोर वगैरह की तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं है। प्रोसेसर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जनरेशन, और मार्केट में जनरेशन को लेकर के बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है इंटेल में 14 जेन है और राइजन में 7000 सीरीज है, तो आपको कोशिश करनी है कि लेटेस्ट जनरेशन लें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 जनरेशन ओल्ड जो है वो आपको सिस्टम लेना है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, बट सिंपल आप ये समझ लो कि i3 का लेटेस्ट जनरेशन जो है वो i5 के ओल्डर जनरेशन से जो है वो फास्ट हो सकता है। तो 2024 में 10th जनरेशन से ज़्यादा ओल्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सो आपको जनरेशन का बहुत ख्याल रखना है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब सिस्टम लेने जाते हैं ना तो हम लोग ध्यान देते हैं i5 के ऊपर, i3 के ऊपर, ओके i7 के ऊपर। आपको i7 सस्ते में मिल रहा है, चलो यार यही ले लेते हैं। बट पता चला हमारा जनरेशन था वो बहुत पुराना था, तो हम तो खुश हैं कि मेरे पास i7 है, पर पता चला कि i7 6th जनरेशन या उससे भी पुराना है। तो ये चीज आपको जो है वो अवॉइड करना है, जनरेशन का बहुत ख्याल जो है वो रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा रैम। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मिनिमम 8GB रैम जो है वो होना ही चाहिए, और इस रेंज में नॉर्मली 8GB से आपका काम चल जाता है। वैसे ज्यादा हो या फिर अपग्रेडेबल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे सभी लैपटॉप में लगभग हम अपग्रेड कर सकते हैं, कम से कम 16GB तक तो कर ही सकते हैं। तो आप जो है वो ऐसा लैपटॉप लें जिसमें 16GB या 32GB तक जो है वो अपग्रेड पॉसिबल हो, तो बाद में आप इजीली जो है उसे अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि M.2 NVMe जो SSD स्टोरेज होते हैं उसके साथ जो है वो आपको लैपटॉप मिल जाए। अभी का सबसे फास्टेस्ट SSD स्टोरेज आता है वो है। यहाँ पे जो स्टोरेज की स्पीड है उसके ऊपर आपका बूट टाइम जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं तो कितने देर में जो है वो ऑन होगा वो चीज़ डिपेंड करता है, और साथ ही जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो लैपटॉप का एक्सपीरियंस हो या फिर वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस हो, वो सभी जो है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ग्राफिक कार्ड। वेल, वीडियो एडिटिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या फिर बेसिक सिस्टम की बात करें या फिर जो हमारा रेंज है बजट का 30,000 से 50,000, इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको जो है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जैसे कि UHD है या फिर आयरिस के साथ जो है वो सिस्टम मिल जाता है, और फिलहाल अभी उससे ही जो है वो आपको काम चला लेना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले। आपको जो है यहाँ पे HD डिस्प्ले जो है वो कम से कम लेना है, 1920x1080। इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि sRGB रेंज है, कलर रेंज जो है वो क्या है और ब्राइटनेस क्या है, बट इस रेंज में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। तो जो भी आपको मिल जाता है लेटेस्ट जनरेशन के साथ कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ जो है वो आप जा सकते हैं। नीचे मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी डाल दी है जिसे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग के बारे में।
प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व, ये सभी एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप इस लेवल पर हैं या फिर आप हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और उसके लिए लैपटॉप चाहते हैं, तो इसके लिए चाहिए हाई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो मेरा 3 स्टेटमेंट है, डू नॉट बाय ए फैंसी लुकिंग स्लिम और सेक्सी लैपटॉप, डू नॉट बाय ए लैपटॉप विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, बाय ए गेमिंग लैपटॉप। अब डिटेल में बात करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, तो कम से कम आपका बजट जो है वो 50,000 होनी चाहिए। अपर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जो है 50,000 से 1,00,000 पे जा सकते हो, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, कोई अपर लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 50,000 से 55,000 जो है वो आपका बजट होनी चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में मिनिमम जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए, एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए i5 चाहिए, बट मेरी रिकमेंडेशन है i7 या फिर i9 और लेटेस्ट जनरेशन हो या फिर 2-3 जनरेशन ओल्ड हो। जनरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पहले बात किया है, तो जनरेशन का जो है वो आपको ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वीडियो एडिटिंग के लिए जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ग्राफिक कार्ड। यस, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए। एनवीडिया मैं नॉर्मली जो है वो यूज़ करता हूँ और यही रिकमेंडेड है। एनवीडिया में भी स्पेशली अगर मैं मिनिमम मॉडल बताऊँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो है 1650 NVIDIA GTX 1650। ये मिनिमम रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो है वो 1000 सीरीज ले लिया या फिर हमने जो है वो 110 ले लिया या फिर 750 ले लिया। कम से कम NVIDIA GTX 1650 जो है वो आपके पास होनी चाहिए और उससे ऊपर जो है आप चाहें तो जा सकते हैं। 2000 सीरीज है, 3000 सीरीज है, आप RTX में जा सकते हैं, 3050, 3060 या फिर अभी का लेटेस्ट जो 4000 है उसमें जो है वो आप जा सकते हैं। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका बजट बढ़ता जाएगा, लेकिन 50, 60, 70, 80 के रेंज में जो है वो आपको नॉर्मली अब जो है वो 3050 या 3060 जो है वो मिल जाएगा। लेकिन उससे भी नीचे अगर आप आना चाहते हैं तो 1650 मिनिमम लिमिट है यहाँ पे। ग्राफिक कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर, स्पेशली अगर आप लैपटॉप की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप परचेस कर रहे हो उसी वक्त आप बहुत केयरफुली जो है वो डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको आप ना ही चेंज कर सकते हैं और ना ही आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट यहाँ पे है रैम। तो नॉर्मली आपको मिनिमम जो है वो 8GB रैम चाहिए, बट रिकमेंडेड है 16 से 32GB रैम एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए। वैसे अगर हम रेंज की बात करें तो 50,000 से 1,00,000 या फिर 80,000 के रेंज में जो है वो आपको नॉर्मली 8GB रैम मिलेंगे, बट वो अपग्रेडेबल होता है अप टू 32GB तक। तो आपको वो चीज़ ध्यान से देखना है कि हम मैक्सिमम कितना उसमें जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उसको अपग्रेड कर सको। तो आपको रैम 16 से 32GB जो है वो लेना है, नॉर्मली 8GB भी आप ले सकते हैं और फ्यूचर में जो है वो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो है स्टोरेज। स्टोरेज में यहाँ पे M.2 NVMe जो है वो SSD कार्ड ही लेना है, नॉर्मली इसी के साथ जो है वो सारे लैपटॉप्स अब आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 500 या फिर 1000GB हो, लाइक 1TB हो, तो बेहतर होगा। और साथ ही बहुत सारे लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट भी आता है जिसे आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं बाद में, स्टोरेज तो अपग्रेडेबल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। M.2 NVMe 1TB जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है अगर आप एडवांस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में बहुत सारा फैक्टर है, सबसे पहला है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारा कम से कम जो है वो HD तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर 2K या फिर 4K है तो उसके साथ जो है वो आप जा सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना, लाइक जितना ज़्यादा ऊपर आप जाते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलर रेंज। तो sRGB यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 50 से 80 के रेंज में हैं तो नॉर्मली आपको जो है वो 40 से 60 sRGB रेंज जो है वो मिल जाएगा, लाइक 40 से 60% sRGB रेंज। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप जितना क्लोज जा सकते हो 100 के, उतना ज़्यादा जो है वो स्क्रीन की या फिर कलर की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। साथ ही इसमें एक और चीज़ आता है वो है ब्राइटनेस। 300 to 500 जो है वो नॉर्मली ब्राइटनेस के साथ जो है वो आता है, नेट्स ब्राइटनेस के साथ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। तो डिस्प्ले में ये चीज़ आपको जो है वो ख्याल रखना है। अब चलिए मैं आपको कुछ ब्रांड जो है वो रिकमेंड करता हूँ जिसका लैपटॉप जो है वो आप ले सकते हैं, और ऊपर जो भी हमने जो है वो डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें नॉर्मली जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जो ब्रांड है जो कि स्टार्ट होता है आपका 50,000 या फिर 55,000 से, वो है ASUS का टफ सीरीज। यस, एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए और जो बजट वाला सेगमेंट है वो यही है। तो इसमें आपको ASUS का जो है वो टफ मिल जाएगा और इसमें आपको जो है वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है वो मिल जाएंगे। तो ASUS टफ है, ASUS ROG है, और उसके बाद जो है आप MSI वगैरह का लैपटॉप जो है वो ले सकते हैं। सिंपल आपको जो है वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है वो सिस्टम लेना है, और कलर रेंज अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप जो है वो उसके साथ जो है वो
जा सकते हैं। मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वगैरह भी डाल दी है, कुछ सिस्टम रिकमेंडेशन जो है वो डाल दी है, तो आप उसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अब देख लीजिए मेरे पास ये सिस्टम है जो कि है आसूस का टफ, जिसमें i7 कॉन्फ़िगरेशन है, 16GB रैम है और ये अप्रॉक्स 90,000 के करीब का है। और ये है हमारे पास एक बेसिक लैपटॉप जो कि है HP का और ये है i5। तो इसमें मैं बहुत ही ईजी वे में जो है वो फिल्मोरा या फिर साइबरलिंक, मोवावी वगैरह जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। इवन कि मैंने जो है इसमें डाविंची रिजॉल्व भी इंस्टॉल करके रखा हुआ और उसमें भी काम चल जाता है। बट हाँ, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर चल जा रहा है, चलने के बाद वो जब हम वीडियोस वगैरह डालते हैं, मल्टीपल लेयर्स डालते हैं, तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो ये बहुत बैड आइडिया होगा। तो अगर आपका बजट 50,000 की रेंज में है तो आप नॉर्मल इन सॉफ्टवेयर्स के साथ जो है वो जा सकते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स की ट्यूटोरियल्स भी जो है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स या फिर डाविंची वगैरह के लिए। तो अगर आपका बजट 50 से ऊपर है तो आप इसके साथ जो है वो जा सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो बस जाइए सॉर्ट कीजिए उसको, मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है वो ले लीजिए। बजट रेंज में जो एप्पल के मशीन आते हैं वो मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको FCPX यूज़ करना है तो आप जो है एप्पल की मशीन ले सकते हैं, बट FCPX में कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल रॉ सॉफ्टवेयर है। उसमें कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा टेम्पलेट चाहिए, तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बैड चॉइस है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एप्पल की मशीन क्यों नहीं लेनी है, क्या प्रॉब्लम है अगर आप स्पेशली एज ए वीडियो एडिटिंग लेना चाहते हैं। तो एप्पल की मशीन बेसिक लेवल पे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप जो है वो 2,00,000 से ऊपर, जैसे प्रो मॉडल इनका आता है, अगर आप प्रो मॉडल के साथ जाना चाहते हैं तो आप जो है वो जा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि मैकबुक एयर वगैरह आता है, नॉट रिकमेंडेड। वेल, दैट्स इट। आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो कमेंट में भी बता सकते हैं और मैं वहां पर भी आपको जो है वो रिकमेंड कर दूंगा। आई होप कि आपके लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई फीडबैक है तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें जो है वो वीडियो क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, जिसे मैं अपकमिंग सैटरडे को जो है अपने वीडियो में इंटीग्रेट करके उसका जो है वो आंसर करूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्लॉग यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होता हूँ, पर्सनली चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया कि मेरा यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला सिस्टम कौन सा था, सबसे पहला लैपटॉप कौन सा था, कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी और अब मेरे पास कौन कौन से सिस्टम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड क्या यार, जाओ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज तौसीफ खालिद साइनिंग ऑफ़।